हेलो। देखो आवाज कम। इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार से जुड़े सभी छात्र छात्राओं को मनोज पांडे सर की ओर से हार्दिक अभिनंदन किया जाता है। शुरुआती दौर में इस मुहिम का उद्देश्य क्या है? एक दो लाइन उसको बताकर तब जुरिस्प्रूडेंस की क्लास शुरू की जाएगी। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार जो अपना परिवार है, इसकी मुहिम का मुख्य जो एम है या मुख्य ध्येय है या मुख्य जो पर्पज है, वह एक व्यंग से हम शुरुआत करते हैं। व्यंग में यह कहा जाता था कि न्यायालय और ताज होटल तो सबके लिए खुले हैं, लेकिन उसमें जाता वही व्यक्ति है जिसकी जेब भारी हो। अर्थात न्यायालय सबके लिए खुले हैं, सबके अधिकारों की रक्षा करता है न्यायपालिका या जुडिशरी, और ताज होटल भी सबके लिए खुले हैं, लेकिन वास्तव में उसमें पहुंच कौन पाता है जिसकी जेब भारी हो, यानी कि जिसकी जिसके पास पैसा हो। इस कहावत को निरर्थक करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि लोक हितवाद की शुरुआत की गई, यानी कि PIL की शुरुआत की गई, जिससे जो गरीब हैं, निर्धन हैं, दरिद्र हैं, किसी कारण से न्यायालय में जाने में असमर्थ हैं, उनके भी अधिकारों की रक्षा की जा सके। सेम उसी प्रकार ये जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार हैं, इसका भी ध्येय यही है कि जो अक्षम हैं, जो निर्धन हैं, जो गरीब हैं, आपका गरीबी गरीबी निर्धनता इत्यादि ये शिक्षा में बाधक न बने। अर्थात इसका मतलब कि कोई गरीब और निर्धन मात्र इस कारण से शिक्षा से वंचित न हो जाए क्योंकि उसके पास मनी या धन नहीं है। शुद्ध रूप से इस मुहिम में मनोज सर भी शामिल हुए हैं और हमेशा प्रयास करेंगे कि इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाए। आइए, जुरिस्प्रूडेंस हम देख रहे थे और जुरिस्प्रूडेंस में आपको अब तक जो बताया गया है, एक दो लाइन उसको भी दोहरा दिया जाए। हमने अब तक जो बता रखा है, जुरिस्प्रूडेंस होता क्या है ये हमने बताया। इसके बाद जुरिस्प्रूडेंस में किसका अध्ययन किया जाता है? ला का। तो ला होता क्या है, ला आया कहाँ से, यानी कि विधि होती क्या है, विधि आई कहाँ से, इन बातों को लेकर विद्वानों में एक राय नहीं है। और जो विद्वान जिस भावना से ग्रसित था, उस भावना को लेकर उसने विधि की परिभाषा दी और तत्पश्चात पांच पद्धत या पांच स्कूल या पांच विद्यालय उत्पन्न हो गए विचारकों के अलग अलग विचार के कारण। और पांचों विद्यालय आगे आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, लेकिन पिछले लेक्चरों में मैंने पांचों का थीम आपको बता दिया है, उससे एक या दो क्वेश्चन निश्चित बनेगा। फिर पिछले लेक्चर में जितने प्रिंसिपल या डॉक्ट्रिन थे जुरिस्प्रूडेंस में, सबको दो दो लाइन समझाया भी गया और सभी लोगों को लिखवाया भी गया। अब लास्ट में जो सामान्य बातें बचती हैं, जहाँ से एक एक क्वेश्चन UPJ में आता है, पहली सामान्य बातें हैं आपका जुरिस्प्रूडेंस को आपका किसने कितने पार्ट में डिवाइड किया, यानी कि विधि शास्त्र को किसने किसने कितने भाग में बांटा, कितने भाग में बांटा, ये क्वेश्चन आपका 3 बार UPJ में आया है। देखिए, पढ़ाने का मतलब ये हुआ
कि आपका जो भी आपको पढ़ाया जाए कंपटीशन की दृष्टि से आपके लिए भाई फायदेमंद हो, शैक्षणिक रूप से तो हो ही, तो विधि शास्त्र को किसने कितने भागों में बांटा, ये जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं ये यूपीजे में 3 बार प्री में पूछा गया है, और इस आपका कर्तव्य है कि इस क्वेश्चन को भी रट्टा मार कर जाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि एक भी क्वेश्चन जल्दी मने कंपटीशन में मनोज सर के लेक्चर से बाहर ना जाए, तो पहला जो हम बता रहे हैं आपका जॉन ऑस्टिन का बता रहे हैं, ये भी आपका पूछा जा चुका है। जॉन ऑस्टिन का हम बता रहे हैं, आइए देखा जाए। जॉन ऑस्टिन ने विधि शास्त्र को 2 वर्गों में बांटा, ये जरूर याद रखिए। कौन कौन प्रकार थे? पहला सामान्य विधि शास्त्र, और दूसरा आपका विशिष्ट विधि शास्त्र। ये रट्टा मारना है, पहला कौन सा विधि शास्त्र है सामान्य विधि शास्त्र, और दूसरा कौन है विशिष्ट, यानी कि जनरल जुरिस्प्रूडेंस और पर्टिकुलर जुरिस्प्रूडेंस। अब आपका एक एक लाइन दोनों को समझाना भी है। सामान्य विधि शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जॉन ऑस्टिन ये कहते हैं कि जो ये जनरल जुरिस्प्रूडेंस है उसमें विश्व के उन विधियों का अध्ययन किया जाता है जो विधियां कई देशों में पाई जाती हैं, यानी कि एक ही कानून जब कई देशों में पाया जाए और उसका अध्ययन हम करेंगे तो वह जनरल जुरिस्प्रूडेंस में आएगा। जैसे उदाहरण के रूप में एक दो हम बता रहे हैं, जैसे इस्टापेल का नियम यानी कि विबंध का नियम। भारत में विबंध का जो नियम है केवल भारत में ही नहीं पाया जाता, लगभग विश्व के ज़्यादातर देशों में इस्टापेल या विबंध का नियम पाया जाता है। दूसरा आपका रेह जुडिकेटा का नियम, रेह जुडिकेटा यानी कि पूर्व न्याय या प्रांग न्याय का नियम, ये भी केवल भारत में नहीं है बल्कि पूरे विश्व में है। तीसरा आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियो पार्डी, अर्थात किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित न किया जाए, ये केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के तमाम देशों में ये सिद्धांत पाया जाता है। अतः जब इन सिद्धांतों को हम पढ़ते हैं तो जॉन ऑस्टिन कहते हैं कि वह आपका सामान्य विधि शास्त्र में से कवर होगा, अर्थात जनरल जुरिस्प्रूडेंस से कवर होगा। फिर ऑस्टिन बंटवारा करते हैं पार्टिकुलर जुरिस्प्रूडेंस या स्पेसिफिक जुरिस्प्रूडेंस। जो पार्टिकुलर जुरिस्प्रूडेंस हैं उसके तहत किसी देश में पाया जाने वाली विधि का ही उल्लेख होता है, अर्थात इसका मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं कि भारत में केवल जो कानून पाया जाए और वह कानून विश्व के अन्य देशों में न पाया जाए, तो ऑस्टिन महोदय ये कहते हैं कि इसका अध्ययन जो किया जाएगा या इसे क्या कहा जाएगा, विशिष्ट विधि शास्त्र या पर्टिकुलर जुरिस्प्रूडेंस। ये आपका बंटवारा पहला हमने किसका किया, आपका जॉन ऑस्टिन का। ये भी क्वेश्चन आ चुका है आपका कि जॉन ऑस्टिन विधि शास्त्र को कितने भागों में बांटते हैं, अच्छे से तैयार आप रखेंगे। दूसरा आपका देखा जाए जो सामंड का देखा जाए, जहाँ तक सामंड की बात है, सामंड जुरिस्प्रूडेंस को आपका
सामंड जो है वह ज्यूरिसप्रूडेंस को तीन वर्गों में बांटते हैं, यानी कि सामंड द्वारा ज्यूरिसप्रूडेंस को तीन पार्ट में बंटवारा किया गया है। पहला विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र, एनालिटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस, ये कहते हैं सामंड। दूसरा हिस्टोरिकल ज्यूरिसप्रूडेंस, यानी कि ऐतिहासिक ज्यूरिसप्रूडेंस, ऐतिहासिक। और तीसरा ये कहते हैं नैतिक ज्यूरिसप्रूडेंस, नैतिक यानी कि इथिकल। फिर एक बार देखिए आपका, यानी कि सामंड महोदय द्वारा विधि शास्त्र को तीन वर्गों में बांटा गया है और तीनों वर्गों को हमें एक एक लाइन जानना है। याद रखिए, पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि सामंड द्वारा विधि शास्त्र को कितने भागों में बांटा गया, तीन भागों में। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि वह कौन कौन से भाग हैं, तो तीनों आपका बोर्ड पर लिखवाया गया है। पहला एनालिटिकल, दूसरा हिस्टोरिकल और तीसरा इथिकल। अब एनालिटिकल या विश्लेषणात्मक में किसका अध्ययन किया जाता है? एनालिटिकल में इज का अध्ययन किया जाता है। इज मतलब जो है, इज का मतलब जो है, यानी कि विधि संप्रभु का समादेश है। ला इज द कमांड ऑफ सॉवरेन। ऐतिहासिक विधि शास्त्र में, हिस्टोरिकल ज्यूरिसप्रूडेंस में हम विधियों का विकास देखते हैं कि कानून का विकास किस तरीके से हुआ, जबकि इथिकल या नैतिक विधि शास्त्र में हम ये देखते हैं कि कानून में क्या मोरालिटी या नैतिकता होनी चाहिए कि नहीं, और होनी चाहिए तो कितनी। इसके बाद आपका अगला जो हमें प्रकार देखना है, जूलियस स्टोन का देखना है, यानी कि जूलियस स्टोन ने आपका विधि शास्त्र को तीन वर्गों में बांटा। पिछली बार आपका यूपीजे में जूलियस स्टोन से क्वेश्चन बना था और आप देख भी सकते हैं जूलियस स्टोन ने ज्यूरिसप्रूडेंस को तीन भागों में बांटा। जूलियस स्टोन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बातें भी बताया जाए। जूलियस स्टोन, जब अगला लेक्चर आपका चलेगा तो उसमें हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन आपका ये जूलियस स्टोन का कोटेशन और किताब आती है। इन्होंने विधि को अधिवक्ताओं की बहिर्मुखी अभिव्यक्ति कहा है, यानी कि लायर्स एक्स्ट्रावर्जन। ये क्वेश्चन पिछली बार यूपीजे में आ चुका है कि किसने विधि को लायर्स एक्स्ट्रावर्जन कहा है, अधिवक्ताओं की बहुर्मुखी अभिव्यक्ति कहा है। अब क्या इनका मतलब है ये तो अगले लेक्चर से हम शुरू करेंगे तो बताएंगे, लेकिन जूलियस स्टोन ने आपका कह सकते हैं कि जो विधि शास्त्र हैं उसको तीन वर्गों में बांटा, ये अभी जानना है। पहला विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र, विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र। दूसरा क्रियात्मक विधि शास्त्र, क्रियात्मक विधि शास्त्र, एक्टिव क्रियात्मक विधि शास्त्र। और तीसरा इन्होंने न्याय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस या न्याय का सिद्धांत। यानी कि तीन वर्ग याद रखना है। आगे चला जाए, जो अब जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वह आपका जर्मी बेंथम का ज्यादा पूछा जाता है। देखिए, दो बार क्वेश्चन जर्मी बेंथम से ही यूपीजे में आया है। जर्मी बेंथम, इनका जरूर याद रखिए, हो सकता है रिपीट कर दे। जर्मी बेंथम ने विधि शास्त्र को दो वर्गों में बांटा, ये क्वेश्चन दो बार
यूपीजे में आ चुका है वह कौन कौन सा आपका प्रकार है? तो पहला व्याख्यात्मक है और दूसरा आपका निर्णयात्मक। अब अच्छे से इसको तैयार करके जाना है, हो सकता है रिपीट कर ले। यानी कि जर्मी बेंथम ने जुरिस्प्रूडेंस को दो भागों में बांटा, आपका व्याख्यात्मक एक्सपोजिटरी यानी कि इंग्लिश में एक्सपोजिटरी, और दूसरा निर्णयात्मक यानी कि आपका कंसोरियल। आपका यानी कि क्वेश्चन ये बनता है कि किसने वेदशास्त्र को व्याख्यात्मक और निर्णयात्मक दो भागों में बांटा, उसमें विद्वान चार विद्वानों का नाम रहेगा और आपका जवाब रहेगा आपका जर्मी बेंथम। इस प्रकार बंटवारा भी समाप्त हो गया। बंटवारे के बाद जो लास्ट मॉडल सामान्य हमें चलना है वह वर्तमान में कुछ किताबें पूछी जा रही हैं और किताबों से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। यानी कि अब हमें जो मॉडल अगला अपनाना है भाई, प्रयास ये किया जा रहा है कि आज सामान्य बातें सब समाप्त हो जाए ताकि मंडे से जुरिस्प्रूडेंस क्या है, ला क्या है, इसको शुरू कर दिया जाए। तो आपका एक लिस्ट बना लेना है और इस लिस्ट से भी एक क्वेश्चन बनता है, पुस्तक और लेखक यानी कि बुक और उसके राइटर। एक एक किताबों को अच्छे से तैयार रखिए और प्रयास ये करिए कि जो किताबें कंपटीशन में चाहे उत्तराखंड में या यूपी में पूछी गई हैं, जे में कम से कम 10-15 किताबों का नाम और उनके लेखकों का नाम आप याद कर लीजिए। 2018 यूपीजे में भी क्वेश्चन आया था पुस्तक, इस पुस्तक के लेखक कौन है ये क्वेश्चन, और उत्तराखंड में भी पिछली बार जे में एक क्वेश्चन आया था। तो पूरा चांस रहता है कि एक क्वेश्चन बुक और उसके राइटर से मिल जाए। देखिए कम से कम 15-20 किताबें मेन बताई जाए आपको। पहला हम बता रहे हैं द कंसेप्ट ऑफ लॉ। ये जो क्वेश्चन है ये उत्तराखंड में और यूपी दोनों में आ चुका है। द कंसेप्ट ऑफ लॉ, इस किताब के जो रचयिता हैं, लेखक हैं, प्रोफेसर HLA हार्ट। ये क्वेश्चन आ चुका है, फिर याद रखिए आपका द कंसेप्ट ऑफ लॉ पुस्तक के लेखक कौन है, अगर आए तो प्रोफेसर HLA हार्ट हैं। इसके बाद दूसरी किताब आती है डाइजेस्ट, ये भी आ चुकी है किताब डाइजेस्ट, ये भी किताब आ चुकी है। डाइजेस्ट किताब के लेखक कौन है, तो अल्पियन, ये भी आपको रट्टा मार कर जाना है। डाइजेस्ट किताब भी आ चुकी है। इसके बाद आपका आया है लीगल थ्योरी यानी कि लीगल थ्योरी जो लीगल थ्योरी किताब है इसके लेखक हैं फ्रीडमैन। याद रखिए कौन इसके लेखक हैं, आपका फ्रीडमैन। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है वह किताब और लेखक पर द प्योर थ्योरी ऑफ लॉ यानी कि विधि का शुद्ध सिद्धांत
ये भी क्वेश्चन आ चुका है, तो आपका जवाब रहेगा इस किताब के लेखक कौन है? हैंस केल्सन। हैंस केल्सन, इस किताब के लेखक हैंस केल्सन है। इसके बाद आपका आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक किताब आती है, रिपब्लिक के लेखक कौन है ये भी पूछा जाता है, तो रिपब्लिक के लेखक प्लेटो हैं। प्लेटो आपका प्लेटो है। अब देखिए आपका प्लेटो से भी आपका क्वेश्चन यूपीजे में आ चुका है, और प्लेटो से क्वेश्चन ये बना है आपका अलग से जाकर कि कौन विद्वान ये कहता है कि अगर विधि आज्ञा दे तो जहर भी पी लेना चाहिए। फिर एक बार याद रखिए, यानी कि पॉइजन भी पी लेना चाहिए, ये कौन विद्वान कहता है? तो आपका प्लेटो महोदय कहते हैं। अगला आइए रिटोरिक। अगली किताब हम बता रहे हैं रिटोरिक। जो ये रिटोरिक किताब लिखी गई, ये अरस्तु द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? अरस्तु द्वारा। और आपको बताते समय सामान्य बातें, हमने अरस्तु का सिद्धांत भी बताया था, उसको दोहराते भी रहा जाए ताकि लोग भूल न जाए, और अरस्तु का जो सिद्धांत था वह भी याद रखिएगा, एचजेएस में भी पूछा गया है, और वह आपका सिद्धांत है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, या आपका कह सकते हैं कि वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत। अगला आपका चला जाए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी यूपीजे में आ चुका है, द एंशिएंट लॉ, ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीजे में। द एंशिएंट लॉ यानी कि प्राचीन विधि, द एंशिएंट, एंशिएंट लॉ ये किसने लिखी? अगर ये क्वेश्चन आ चुका है द एंशिएंट लॉ, इस किताब के रचयिता सर हेनरी मेन है। इस किताब के रचयिता कौन है? द एंशिएंट लॉ, इस किताब के रचयिता सर हेनरी मेन है। अगला चला जाए ला इन द मॉडर्न स्टेट। ला इन द मॉडर्न स्टेट, ला इन द मॉडर्न स्टेट, इस किताब के रचयिता कौन है? तो इस किताब के रचयिता डिगवी है, याद रखिएगा कौन है? डिगवी है। अगला क्वेश्चन देखा जाए जो यूपीजे में आ चुका है, इसको और अच्छे से तैयार रखना है, एप्ली फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, ये अच्छे से तैयार रखिएगा, आ चुका है दो तीन बार रिपीट किया है, एप्ली फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, एप्ली फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, ये किताब किसने लिखी? तो जॉन ऑस्टिन मार्कर आइएगा। ये कई बार क्वेश्चन दो या तीन बार यूपीजे में रिपीट किया है, एप्ली फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, किताब किसने लिखी है, ये भी क्वेश्चन यूपीजे में बना है, इसको भी अच्छे से तैयार रखना है, किसने लिखी है? तो आपका जॉन ऑस्टिन ने। अगला क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ किताब, वो भी आपका यूपीजे में आ चुका है, यानी कि क्वेश्चन इधर से आपका एक मिलने का पूरा चांस है। द प्रोविंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ, द प्रोविंस, द प्रोविंस एंड फंक्शन, द प्रोविंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ, ये भी क्वेश्चन आ चुका है यूपीजे में,
और जब भी ये क्वेश्चन आए कि द प्रोविंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ किसने लिखा है, जूलियस स्टोन, जूलियस स्टोन ने, जूलियस स्टोन ने लिखा है। इसके बाद जो आपका किताब आती है कह सकते हैं वह थ्योरी ऑफ जस्टिस, यानी कि न्याय का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जस्टिस यानी कि थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ जस्टिस आता है। ये किताब किसने लिखी है, तो एल्फ राल्स, एल्फ राल्स ने लिखी है, ये भी आप, एल्फ राल्स ने लिखी है। इसके बाद जो आता है आपका अगला देखा जाए किताब का नाम, और अगला जो आता है द प्रोविंस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, ये भी यूपीजे में आ चुके हैं भाई क्वेश्चन, द प्रोविंस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस डिटरमाइन, ये किताब के लेखक जॉन ऑस्टिन हैं, जॉन ऑस्टिन। इसके बाद अगली किताब बनी है द लिमिट्स ऑफ जुरिस्प्रूडेंस डिफाइंड, द लिमिट ऑफ जुरिस्प्रूडेंस डिफाइंड, इस किताब के लेखक जर्मी बेंथम हैं, जर्मी बेंथम। इसके बाद आपका देखा जाए अगली किताब आपका आइज ऑफ ला, ये तो सबको याद होगा, बताया भी गया था पहले लेक्चर में, विधि का नेत्र, आइज ऑफ ला। चूंकि हेराल्ड जे लास्की ने जुरिस्प्रूडेंस को आइज ऑफ लॉ या विध का नेत्र या विध की आंख कहा है, अतः यही किताब के इस लेखक हैं। तो अगर आ जाए कि आइज ऑफ लॉ किताब किसने लिखी, तो हेराल्ड जे लास्की मारिएगा, हेराल्ड जे लास्की। इसके बाद आपका विलेज कम्युनिटी, विलेज कम्युनिटी, इस किताब के रचयिता सेवनी महोदय हैं, विलेज आपका, विलेज कम्युनिटी, इस किताब के राइटर सेवनी महोदय हैं। देखिए आपका पढ़ने का तरीका क्या है, मैं कुछ मेन मेन किताबें लिखवाया जो आपका ज़्यादातर कंपटीशन में आ चुकी हैं, लेकिन आपका कर्तव्य है कि लिखते समय आप 10-15 लाइन नीचे छोड़ देंगे, क्योंकि अभी और किताबें मिलेंगी जो यहाँ आपको लिखना होगा। अब आइए हम शुरू करते हैं जुरिस्प्रूडेंस, आपका सामान्य बातें लगभग समाप्त हो गई, अब जुरिस्प्रूडेंस को शुरू किया जाए। और आइए अब जो आपका कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बने हैं यूपी उत्तराखंड नेट में और एलएलएम में, कैसे आंसर देना है, ये बातें भी लगातार आपको बताई जा रही हैं। आइए सबसे पहले आपका जो पूछा जाता है आगे बढ़ा जाए, देखिए एक तो लॉ की डिफिनीशन पूछी जाती है, यानी कि लॉ की डिफिनीशन पहले कभी नहीं पूछी जाती थी, लेकिन एक बार पॉलस का जो लॉ की डिफिनीशन है वह यूपीजे ने बना दिया, अतः लॉ की, लॉ को जितने विद्वानों ने जिस तरीके से डिफाइन किया है, अब समस्या ये है कि उन सभी विद्वानों का कोटेशन और उसका मतलब हमें जानना होगा। पहले क्वेश्चन नहीं बनता था, लेकिन वर्तमान समय में जो कंपटीशन का दौर है, आप जहां से सोचेंगे कि यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा और कंपटीशन में आयोग आपका, वहीं से क्वेश्चन वर्तमान में बना रहा है। तो यानी कि डायन भी
एक घर छोड़ देती हैं कि चलो बाद में फलेगा फूलेगा घर तो 10 साल बाद आकर हम खा लेंगे, लेकिन जो ये आयोग हैं यह ऐसी डायन है जो किसी भी घर को नहीं छोड़ रहा है। इसका मतलब कि जहाँ से आप अनुमान जहाँ से आपकी सोचावट खत्म होगी वहाँ से आयोग की सोचावट शुरू होती है कुछ कुछ चनों पर। अतः कुछ एक्स्ट्रा भी आपको जानना होगा। और मैं छोड़ता ही नहीं कोई चीज़, यानी कि जो समस्याएं आती हैं जो क्वेश्चन आते हैं छोड़ता मैं नहीं हूँ, सारे मॉडल का क्वेश्चन बता देता हूँ, यानि कि कौन से क्वेश्चन इस साल आए हैं और अगले साल अब किस मॉडल से आयोग बनाएगा। मनुष्य द्वारा इसका अनुमान लगाया जाता है और अनुमान लगाते हुए नए नए क्वेश्चन निकाले जाते हैं लगातार हर एक लेक्चर में, और आपका सौभाग्य कहिए कि वही नए नए क्वेश्चन आयोग बना देता है, तो लोग आरोप भी लगाते हैं कि लग रहा है कि इनका आयोग से सेटिंग है और ये आयोग से पर्चा आउट करा दे रहे हैं। सेटिंग नहीं है, परिकल्पना की जाती है, प्रिजम्पशन किया जाता है कि पीछे ये आया है तो आगे ये आ सकता है। और कल्पना ऐसी करिए माने आयोग अब क्या सोच सकता है, यानी कि जिस प्रकार चेला गुरु से एक कदम आगे रहता है तो मनुष्य भी आयोग से एक कदम आगे ही चलते हैं, पीछे नहीं। अगला देखा जाए तो एक तोला की परिभाषा आपको पढ़नी है, दूसरी चीजें जो पढ़नी है वह जुरिस्प्रूडेंस की परिभाषा। ज़्यादातर जुरिस्प्रूडेंस की परिभाषा से ही क्वेश्चन आपका बना है, लॉ की डिफिनीशन से कम क्वेश्चन बना है। एक बार केवल एक क्वेश्चन बना है फिर भी छोड़ा नहीं जाएगा। लॉ की भी डिफिनीशन और जुरिस्प्रूडेंस की भी, दोनों की डिफिनीशन हर हाल में पूरी बताई जाएगी। आइए जुरिस्प्रूडेंस को उठा जाए। जुरिस्प्रूडेंस शब्द मैं बताया था कि जो ये जुरिस्प्रूडेंस शब्द हैं ये लैटिन के जुरिस्प्रूडेंसिया से बना है, और जो ये जुरिस्प्रूडेंसिया शब्द हैं ये दो शब्दों के मेल से बना है, वह आपका शब्द है जुरिस और प्रूडेंसिया। ये बताया जा चुका है, दोहराया जा रहा है फिर। जुरिस का मतलब ला होता है, ला मतलब हिंदी में विधि, और प्रूडेंसिया का मतलब नॉलेज होता है, नॉलेज यानी कि ज्ञान। तो अगर हम वर्ड वाइज मीनिंग निकालें तो जुरिस्प्रूडेंस का मतलब ये हुआ विधि का ज्ञान। अब ये है कि विधि होती क्या है, क्योंकि इस विषय पर विद्वान एक मत नहीं है, अर्थात जिस विद्वान ने जिस प्रकार से विधि के बारे में सोचा, जुरिस्प्रूडेंस की परिभाषा भी वह उसी तरीके से देंगे, यानी कि जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, यानी कि जिसकी जो भावना थी उस आधार पर आपका जुरिस्प्रूडेंस को विद्वानों ने परिभाषित किया है। परिभाषा में हम देखेंगे कि एक समानता लगभग सब में पाई जाएगी कि विधि शास्त्र में विधि का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, सिस्टमेटिक आपका स्टडी किया जाता है। ये हर एक लोग मानते हैं, लेकिन वही है कि दो तीन शब्दों को चेंज करेंगे। तो आइए देखा जाए, अब पहला क्वेश्चन जो बनता है वह आपका बता दिया जाए परिभाषा से पहले। एक बार यूपीजे में दो क्वेश्चन ये बना है और गलत न हो, एक ही बार दो क्वेश्चन आ चुका है। पहला आया है कि विधि शास्त्र का जन्म कहाँ हुआ। अगर आपका ये हमेशा गलत लोग करते हैं, और एक जगह लिख लीजिए सही रहेगा या दिमाग में बैठाइए, हमेशा लोग आपका दिमाग यहाँ उल्टा चला देते हैं। सतर्क रहना है,
अगर जुरिस्प्रूडेंस की उत्पत्ति पूछे या विधिशास्त्र का विकास कहाँ हुआ, विधिशास्त्र जन्म कहाँ लिया, तो आपका विधिशास्त्र के लिए रोम मारिएगा, यानी कि सर्वप्रथम रोम में विधिशास्त्र का अध्ययन शुरू हुआ। लेकिन यही क्वेश्चन अगर हल्का सा घुमा दे कि प्राकृतिक विचारधारा नेचुरल स्कूल का जन्म कहाँ हुआ, तो तुरंत आपका यूनान या ग्रीस मारना है। और एक बार यूपीजे दोनों क्वेश्चन बना चुका है और लोग भ्रम खा गए और गलत करके आ गए, यूनान को मार दिए रोम और रोम को मार दिए यूनान। जैसे कि सीआरपीसी में अभियुक्त भ्रम खा जाता है, आपका कह सकते हैं आरोप में गलती का प्रभाव, यानी कि सीआरपीसी की धारा 215, सीआरपीसी की धारा 215 में आप खुदा बख्श और हैदर बख्श का एलेस्टेशन दिया गया है। और वहाँ अभियुक्त क्या आ जाता है भुलावे में, खुदा बख्श वाले गवाह हैदर बख्श के मामले में आ जाते हैं, हैदर बख्श वाले खुदा बख्श के मामले में। उसी प्रकार आयोग भी ऐसा क्वेश्चन देता है, तो भुलावे में बिल्कुल नहीं आना है। और इसको दिमाग में बैठा लीजिए या लिख लीजिए कि अगर हमें जुरिस्प्रूडेंस की उत्पत्ति पूछे तो हर हाल में रोम मारना है, और अगर नेचुरल स्कूल का पूछे तो कहाँ मारना है, ग्रीस या यूनान। अब चूंकि विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है, तो शुरुआती दौर में एक और जान लेना है कि शुरुआती दौर में आपका ला और दर्शन और धर्म अलग नहीं था, अतः दर्शन में ही ला छुपा था। तो जो प्राचीन विद्वान होंगे वह जुरिस्प्रूडेंस को दर्शन के साथ जोड़ेंगे। तो आइए पहला उठाया जाए, चूंकि जुरिस्प्रूडेंस का अध्ययन कहाँ से शुरू हुआ, रोम से ही हुआ, अतः सबसे पहले हम कुछ रोम के विद्वानों को देखेंगे। और ये क्वेश्चन आपका जो दोनों विद्वान बताए जाएंगे, पिछली बार आपका सिसरो का आया था और उसके पहले अल्पियन का कोटेशन आया है, तो आइए देखा जाए। पहला जो आपका विद्वान हम शुरू कर रहे हैं, अल्पियन, अल्पियन। अब जैसे ही कोई विद्वान आप पढ़िए, मैं बता दूं आपका तीन चार बातें उस विद्वान के बारे में हर हाल में दिमाग में बैठाना पड़ेगा। और ये यूपीजे में ये क्वेश्चन आ चुका है, देखिए अल्पियन कहाँ का विधिशास्त्री था। तो चूंकि जुरिस्प्रूडेंस का सबसे पहले अध्ययन कहाँ हुआ, रोम में, तो पहला क्वेश्चन आपका अल्पियन कहाँ का था, रोम का। दूसरा क्वेश्चन किताब पूछी गई है कि अल्पियन ने कौन सी किताब लिखी, तो आपका इनकी पुस्तक का जो नाम था डाइजेस्ट, डाइजेस्ट। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, देखिए मॉडल, डाइजेस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी, तो आपका जवाब रहेगा अल्पियन ने। अल्पियन जुरिस्प्रूडेंस को परिभाषित करते हुए क्या कहते हैं ये देखा जाए। विधिशास्त्र यानी कि जुरिस्प्रूडेंस मानवीय एवं ईश्वरीय बातों का ज्ञान, विधिशास्त्र मानवीय एवं ईश्वरीय बातों का ज्ञान अर्थात द नॉलेज ऑफ थिंग्स डिवाइन एंड ह्यूमन। फिर एक बार देखिए, विधिशास्त्र मानवीय एवं ईश्वरीय बातों का ज्ञान, यानी कि जुरिस्प्रूडेंस आपका द नॉलेज ऑफ थिंग्स डिवाइन एंड ह्यूमन तथा उचित एवं अनुचित का विज्ञान है, यानी कि साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट, अर्थात आपका जस्ट मतलब कि न्यायपूर्ण और अनजस्ट मतलब अन्यायपूर्ण, यानी कि
आपका तोड़कर भी पूछा गया है कि किसने विश्वास को आपका न्यायपूर्ण एवं अन्यायपूर्ण यानी कि जस्ट एंड अनजस्ट का साइंस कहा है, ये आधा कोटेशन भी पूछा गया है, तो आपका क्या जवाब रहेगा? आपका अल्पियन ने। तो अल्पियन कहते क्या है? पहला नियम इनका यह है कि विश्वास मानवीय एवं ईश्वरीय बातों का ज्ञान है। इसका मतलब ये हुआ कि विश्वास द्वारा हमें मानव का भी ज्ञान होता है, ईश्वर का भी ज्ञान होता है, यानी कि जुरिस्प्रूडेंस के तहत हम मानव के भी नियम को पढ़ते हैं और किनके नियमों को भी, ईश्वर को भी। तथा उचित एवं अनुचित का भी ज्ञान है, अर्थात कौन सी चीज जस्ट है, ठीक है, उचित है, न्यायपूर्ण है और कौन सी चीज अनजस्ट है, अन्यायपूर्ण है, अनुचित है। दो मने इसका अध्ययन भी हमें कहाँ करना है? जुरिस्प्रूडेंस में। तो इसको और आपका मंडे को अब क्लास चलेगी भाई, बता दिया जाए, और आपका एक क्लास और बढ़ाना है, आपको सूचित किया जाएगा। चूँकि एमपी इत्यादि राज्यों का एग्ज़ाम आगे है, तो एविडेंस की क्लास शुरू की जाएगी जल्दी, जिसकी सूचना आपको सोशल मीडिया के माध्यम से दी जाएगी। धन्यवाद।